हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट ऑफ माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर टेकिंग माय वीडियो सो सीरियसली। और आज जो टॉपिक है वो बेसिकली एक केस स्टडी है इंडिया में होने वाले डाइवोर्सेस के ऊपर। मुझे आप लोगों को कहते हुए बहुत ही बुरा लग रहा है कि डाइवोर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने डिसाइड किया था मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, एटलीस्ट 2-3 साल तक तो नहीं बनाऊंगा। लेकिन आजकल इतने सारे केसेस हो रहे हैं डाइवोर्स के ऊपर, तो मैंने डिसाइड किया कि एक बार एक वीडियो बना ही देता हूँ। तो आप लोगों को तो पता होगा डाइवोर्स से पहले मैरिज के बारे में हमें सोचना चाहिए, फिर मैरिज की जो डेफिनेशन होती है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है और तलाक ज़िंदगी का वो एक फैसला होता है जिससे मुझे नहीं लगता नुकसान के अलावा और कुछ हो सकता है। जन्म जन्म का साथ निभाने वाला जब किसी कारण के लिए हाथ छोड़ने को तैयार हो जाता है तो उस कंडीशन को एक्सप्लेन कर पाना मेरे हिसाब से किसी भी इंसान के बस की बाहर की ही बात हो जाती है। तलाक वैवाहिक जीवन अथवा वैवाहिक बंधन के अंत को कहा जाता है। तलाक सामान्यतः विवाह को कानूनी दायित्व और कर्तव्यों को निरस्त करने के लिए अथवा पुनर्गठित करने के लिए उसी आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब लिटरली मैं ये बोल रहा हूँ कि तलाक या डिवोर्स जो होता है वो बेसिकली और लीगली ख़त्म कर देता है कोई भी विवाह बंधन को। रीजंस बहुत सारे होते हैं डाइवोर्स के और उसके ऊपर थोड़ा नज़र डालेंगे कि कौन से ऐसे रीजंस है जिसके लिए ज़्यादातर डिवोर्स होते हैं हमारे देश में। तो पहला रीज़न है लैक ऑफ कमिटमेंट, दूसरा रीज़न है आर्ग्यूमेंट्स टू मच, तीसरा रीज़न है इनफिडेलिटी जिसको कि हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उसके बाद मैरिड टू यंग वो भी एक रीज़न है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ये भी एक रीज़न है, लैक ऑफ इक्वालिटी इन द रिलेशनशिप वो भी एक रीज़न रहता है, बहुत ही मेजर रीज़न, लैक ऑफ प्रिपरेशन फॉर मैरिज एक और भी बड़ा वाला रीज़न है ये, डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज़, और जो फाइनल वाला मैंने पिकअप किया है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादातर डिवोर्सेस होते हैं हमारे देश में। कौन से सारे लॉज और एक्ट्स हैं हमारे डाइवोर्स के लिए बनाए गए हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हमारे हाई कोर्ट्स के द्वारा भी? तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से डिवोर्सेस की जाती है। एडल्टरी एक होता है वो उस एक्ट के तहत भी किया जाता है डिवोर्सेस। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट व्हिच वाज अमेंडेड ऑन 1939, देन डिवोर्स एक्ट 1869, देन स्पेशल मैरिज एक्ट, देन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, देन मैरिज एक्ट, देन म्यूचुअल कंसेंट एक्ट, बुद्धिस्ट डाइवोर्स लॉज इन इंडिया, चाइल्ड मैरिज एक्ट, क्रुएल्टी एक्ट, डिजर्सन एक्ट, डिसमिशल ऑफ पिटीशन एक्सेट्रा। तो इतने सारे एक्ट्स हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा बनाए गए हैं जिससे कि हमें डाइवोर्स को अच्छी तरीके से समझने का जो मतलब होता है एक हिंट वो मिलता है। और जब एक कपल डाइवोर्स के लिए राजी हो जाते हैं तो कोर्ट उन्हें म्यूचुअल कंसेंट पर डाइवोर्स कंसिडर करती है। सेक्शन 10A ऑफ इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 रिक्वायर्स द कपल टू बी सेपरेटेड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। द कपल ओनली नीड्स टू प्रोवाइड दैट दे हैव नॉट बीन लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड। इन्हीं 2 सालों में उन हस्बैंड और वाइफ को दिखाना है कि हम लोग हस्बैंड और वाइफ की तरह रहे ही नहीं, तो हमें ज़रूर चाहिए डिवोर्स। तो पहले प्रूफ करना पड़ता है कोर्ट के सामने कि हम पति पत्नी है नहीं, या फिर अगर रह रहे हैं तो हम बाउंड होके रह रहे हैं। उसके बाद कोर्ट एक्सेप्ट करता है, उसके बाद नेक्स्ट करिकुलम्स होता है। अगर हम एलिमनी की बात की किया जाए यहाँ पर एलिमनी जो कि आजकल बहुत ही फेमस टॉपिक हो चुका है। एलिमनी जिसको एलिमेंट मेंटेनेंस स्पाउजल सपोर्ट और स्पाउज मेंटेनेंस भी बोला जाता है, जो कि बेसिकली लीगल ओब्लिगेशन होता है अपने स्पाउज के फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। एक पत्नी को लीगली 25% मिल सकता है हस्बैंड का नेट मंथ सैलरी से। ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है और इसको आप खारिज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू पे सम काइंड ऑफ स्पाउजल सपोर्ट एंड देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट फॉर नॉट पेइंग एलिमनी इन इंडिया। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो बहुत सारे डाइवोर्स केसेस हो चुके हैं और ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, भगवान करे ख़त्म हो जाए। क्योंकि ऐसा लगता है जब डाइवोर्स होता है, जब मैरिज होता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और जब डाइवोर्स होता है तो उतनी ही ज़्यादा
दुख लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा दुख लगता है। अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात बोलें तो हमारे देश में जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लोगों ने अपने पत्नियों से या फिर अपने पतियों से डिवोर्स लिया है, तो उनमें से कुछ हैं ऋतिक रोशन एंड सुजैन, मलाइका अरोरा एंड अरबाज खान, फरहान अख्तर एंड अधुना, सैफ अली खान एंड अमृता सिंह, आमिर खान एंड किरण राव, करिश्मा कपूर एंड संजय, अर्जुन रामपाल एंड मेहर जैसिया, संजय दत्त एंड रिया, धनुष एंड ऐश्वर्या, अनुराग कश्यप एंड कल्की कोएक्लिन, करण मेहरा एंड निशा रावल, कीर्ति कुलहरी एंड साहिल सैगल, कोंकणा सेन शर्मा एंड रणवीर सोरे, प्रभु देवा एंड रामलता, सामंत ऋतुप्रभा एंड नाग चैतन्य, सोहेल खान एंड सीमा सजदे, अमला पॉल एंड ए एल विजय, हनी सिंह एंड शालिनी तलवार, सानिया मिर्जा एंड शोएब मलिक, राजा चौधरी एंड श्वेता तिवारी। और अगर सेलिब्रिटीज़ की बात चल ही रही है तो हम क्यों और कैसे भूल सकते हैं हमारे क्रिकेट के स्टार्स, उन लोगों का जो डाइवोर्स केसेस हमारे सामने आया है। अभी रिसेंटली तो आया है हार्दिक पांड्या का केस, लेकिन उससे पहले हम ऑलरेडी सुन चुके हैं मोहम्मद शमी का, शिखर धवन का और दिनेश कार्तिक जैसे बड़े बड़े प्लेयरों का डिवोर्स केसेस। द चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप, जो आहिस्ता आहिस्ता सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं हमारे देश में, उसको बहुत बड़ा रीज़न बोला जाता है डिवोर्सेस का। इंडियाज़ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर, जो पहले फैमिली स्ट्रक्चर होता था और सिक्योर्ड रहते थे बहुत ज़्यादा, परिवार टूटती नहीं थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, लेकिन फाइनली जो घर पे जो बड़ा होगा उसकी बात हमेशा सुनते थे, लेकिन वो वाला जो स्ट्रक्चर था वो टूट चुका है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस होने लगे हैं आजकल। चिल्ड्रन आर ऑफन द साइलेंट विक्टिम्स ऑफ डाइवोर्स, मतलब पति पत्नी का अगर डाइवोर्स होता है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र करता है तो वो होते हैं बच्चे। दे हैव टू बी फोर्स टू कोप विद द डिसोल्यूशन ऑफ देयर पेरेंट्स मैरिज। ए लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट मैरिज एंटेल्स इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इन डाइवोर्स। The remarkable growth of Indian women in recent years, both financially and socially, cause behind a lot of divorces. तो आहिस्ता आहिस्ता जो women individual और independent होने लगे हैं वो भी एक बहुत ही बड़ा reason है divorces के बीच में। और मैं यहाँ पे women empowerment को कभी भी guilt नहीं मानूंगा, मैं यहाँ पे fake feminism को थोड़ा सा guilt देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे cases में पुरुष लोग जो होते हैं वो भी इनोसेंट होते हैं, लेकिन उनको सफ़र करना पड़ता है ड्यू टू देयर वुमेन। मैं हर किसी की बात नहीं बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट करूँगा, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, बट आई एम सेइंग अबाउट फेक फेमिनिज्म, जो कि मेरे पहले के एक दो वीडियोस में भी मैंने बोला हुआ है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट डाइवोर्स रेट्स इन द वर्ल्ड, दैट इज़ 1.1% पर 1000 पीपल, मतलब 1000 अगर शादियाँ होती तो उसमें से टूटती है या डिवोर्सेस होती है 1.1%। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे होती है किसी राज्य में तो वो वाला राज्य है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है कर्नाटका, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद तमिलनाडु। अगर देश की बात बोली जाए तो मालदीव्स में सबसे ज़्यादा डिवोर्सेस होते हैं और सबसे कम डिवोर्सेस होते हैं ग्वेटेमाला में, और हिंदू में थोड़ा सा कम है मुस्लिम्स के हिसाब से। अगर आप देखें रेशियोज़ तो हिंदूज़ में हर 1000 शादियों में 2.0 शादियाँ बिगड़ती है या फिर डिवोर्सेस होते हैं, और वहीं पे मुस्लिम्स लोगों के केस में ये 3.7 हो जाता है, हर 1000 शादियों में 3.7 डिवोर्सेस होते हैं। और अगर हम बात करें क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट के बीच में तो हमसे और मतलब हिंदुओं से और मुस्लिम से बहुत ज़्यादा हैं ये लोग डिवोर्सेस में आगे। तो क्रिश्चियंस में है 16.6 और बुद्धिस्ट में है 17.6, मतलब 1000 अगर शादी हो तो उसमें से 16.6 टूटते हैं क्रिश्चियंस में और 17.6 टूटते हैं बुद्धिस्ट में। अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टडीज अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ डिवोर्सेस आर इनिशिएटेड बाय वुमेन। तो ज़्यादातर डिवोर्सेस आजकल वुमेन के वजह से हो रहा है, ये रेशियो बता रहा है। और सबसे ज़्यादा डिवोर्सेस हो रहा है लव मैरिजेस में इन कंपैरिजन विद अरेंज मैरिजेस। तो अरेंज मैरिजेस ज़्यादा सक्सेसफुल रह रहे हैं आजकल के दुनिया की बात अगर बोली जाए और देश की भी बात बोली जाए तो। मैरिज एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है, हो जाता है कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिस्टेक्स, अननोइंग चीज़ें जो अपने पार्टनर को हर्ट कर सके, लेकिन डाइवोर्स शुडंट बी द सोल सोल्यूशन फ्रेंड्स। अगर हिंदुइज्म को माने तो पति पत्नी का 7 जन्म का रिश्ता होता है यार,
अकलमंदी, समझदारी इसी में होती है कि एक बार अपने पार्टनर से खुल के, बिना ईगो के और बिना एरोगेंस के और बिना पार्शियलिटी के थोड़ी बात की जाए। सिर्फ लव या प्यार रिश्ते को नहीं बचा सकता, एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्स, रिस्पेक्ट, एडमायरेशन, पैशन और इमोशनल अटैचमेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर रिलेशन को बचाना चाहते हो तो। कम से कम अपने परिवार का भविष्य, नहीं तो अपने बच्चों का भविष्य तो थोड़ा सोचना चाहिए जब ऐसे क्रिटिकल डिसीजंस लेते हैं। तो ये मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आपके खुद के फैमिली में ऐसा कुछ हो रहा है या फिर आपके कोई दोस्त या फिर कोई रिलेटिव के घर में ऐसा हो रहा है, तो पहली बात उनको बंद कीजिए, उनको रोकने की कोशिश कीजिए और कभी भी अपने वैवाहिक जीवन में एक तीसरे इंसान को लाने की कोशिश मत कीजिए। ये तोड़ देता है। किसी भी तीसरे इंसान का आपके ज़िंदगी में घुसना और आपके पति पत्नी के बीच में घुसना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है आपके रिलेशन के लिए। तो एक अच्छे आशा के साथ, एक पॉजिटिव एट्रीब्यूशन के साथ मैं आज के वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और बाकी तो आपको पता है, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से रहे, आप लोग बहुत ही अच्छे से रहे, मैं भगवान से ज़रूर ये मन्नत मांगूंगा। और मैं चाहूँगा कि हमारा समाज ऐसा हो जाए जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना रहे और डिवोर्सेस घट जाएँ।